सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डकरा में बुधवार की सुबह विद्यालय का वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। इस दौरान समारोह आयोजित कर विद्यालय में बेहतर स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा फल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रघुवंश नारायण सिंह, विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपाल विश्वकर्मा मिस्त्री के अलावा कई अन्य अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य गोपाल विश्वकर्मा मिस्त्री ने बताया कि गुरुवार से विद्यालय के नए सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। सत्र 2022-23 का आज वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई है। इसमें अभी समय कक्षा में प्रथम द्वितीय क्लास वाइज रिजल्ट घोषित किया गया है। प्रथम द्वितीय तृतीय सेक्शन वाइज है, कई सेक्शन है लेकिन सेक्शन को मिलाकर के क्लास वाइज प्रथम द्वितीय तृतीय की प्रगति पुस्तिका यहां पर दी गई है और बाकी शेष भैया भवन का प्रगति पुस्तिका अब कक्षा में कक्षाचार्य के माध्यम से प्राप्त होगा और कल से नए सत्र 23-24 की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। कल से फिर भैयावान प्रातः 7 बजे से विद्यालय आगमन समय है और 9:30 बजे अवकाश है, क्योंकि इस समय CBSE की परीक्षा का बोर्ड सेंटर यहाँ पर है, इस कारण से 9:30 बजे अवकाश हो जाएगा। तो सभी भैयावान को जिसने परीक्षा परिणाम में अपना नाम दर्ज कराया है उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, इस समय में आकर के इस विद्यालय के गौरव को बढ़ाए हैं और भैयावान के उत्साहवर्धन के लिए आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमारे जो गणमान्य मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चाचा जी रघुवंश नारायण सिंह जी, विद्यालय के उपाध्यक्ष, आप सभी पधारे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।